सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आत्मन अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, आज प्रशासन इस तरीके से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे आत्मन अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये जो रो रहे हैं ना भैया, ये है दक्ष चौधरी। वही दक्ष चौधरी जो कन्हैया कुमार पर हमला करने, अयोध्या में बीजेपी को हराने पर हिंदुओं को गाली देने के मामले में जमानत पर बाहर हैं। लेकिन भैया आदत है कि छूटती नहीं। हालिया बांग्लादेश के प्रतिशोध के रूप में बंगाली मुसलमानों पर दक्ष चौधरी ने हमला किया और अब उसके चलते फरारी काट रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के बाद आखिरकार अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है। एक वीडियो डाल करके दक्ष चौधरी फल फल मारे रो रहा है और कह रहा है कि पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित कर दिया है और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है और अब वो पुलिस के सामने सरेंडर करने को राजी है। अरे भैया, जब बार बार अपराध करोगे, जमानत पे झूठोगे तो आदतन अपराधी तो कहलाओगे ही ना। तनिक आप भी सुनिए इस वायरल वीडियो को जिसे दक्ष चौधरी ने खुद डाला है। सभी को जय श्री राम, जय गो माता की। भाई मैं दक्ष चौधरी, आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आदतन अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में आकर अगर यहां से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया, वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरीके से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आत्मन अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लगा के जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले एक हफ्ते से छिप छिप के रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारपीट करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा, ना कोई हिंदू साथ देगा भाई, क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है। मैं पिछले एक हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को, पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का, उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूं। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूं कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस सोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है, उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार, किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में कथित तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को पीटने वाला दक्ष चौधरी अब रो रहा है। दक्ष वीडियो में रोते हुए अपने समर्थकों से ये भी कहता है कि धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। अब एक वीडियो जारी करके दक्ष पूछ रहा है कि मैं हिंदुओं से पूछता हूँ कि मेरे से कौन से अपराध हुए हैं कि प्रशासन ने मुझे आदतन अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के रेप के विरोध में बांग्लादेशियों को खदेड़ा, वो अपराध था? प्रशासन मेरे पीछे पड़ा है, मैं एक सप्ताह से छिप छिप कर रह रहा हूँ, भागता फिरता हूँ। वहीं दक्ष चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके भाई के साथ मारपीट की है और बहन को भी गालियां दी है, जिसके चलते अब वह परेशान है और अब वह दिल्ली पुलिस को सरेंडर करने को राजी है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।